आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आप लोगों ने पपीता या पपाया जरूर खाया होगा। नो डाउट इसका टेस्ट तो बहुत बढ़िया होता है, बट ये आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ जानकारी दूंगी कि आपकी त्वचा के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जो पपाया होता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सभी पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। तो इसलिए हमारी स्किन पे एक बहुत अच्छा ब्राइट लुक और एक ग्लो लाता है चेहरे पर। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन B12, ऐसे बहुत सारे जो हैं सुपर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन लोगों को कब्ज वगैरह रहती है, उनके लिए भी पपीता जो है, पपाया बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ स्किन बेनिफिट्स के बारे में। जिन लोगों को मेलास्मा या कोलास्मा की प्रॉब्लम होती है, मींस की डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन होता है चेहरे पर, उनके चेहरे पर दाग धब्बे झाइयां पड़ जाती हैं, उनके चेहरे पे जगह जगह हाइपर पिगमेंटेड एरिया आपको देखने को मिलता है, तो उन सभी लोगों के लिए पपाया बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है और ये मेलास्मा को कैसे ठीक करता है? पपाया होता है, पपीता होता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, साथ में जो इसमें लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, मीन्स आपके चेहरे को ये रंगत प्रदान करता है, लाइट करता है आपके दाग धब्बों को। साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन और जो विटामिन ए सी ई हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है हमारे स्किन की जो टोन है उसको लाइट करते हैं और जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें ये कम करते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट स्किन पर होता है कि आपके जो भी रिंकल्स होते हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं, जिन भी लोगों को बहुत जल्दी झुर्रियाँ आने लगती हैं उनको ये दूर करता है और जल्दी झुर्रियाँ आने भी नहीं देता है। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि इसके अंदर एक लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी जो एजिंग के जो साइंस होते हैं उनको कम करता है। इसके साथ ही स्किन की इलास्टिसिटी को भी जो है बहुत ज्यादा मजबूत करता है, उसे टाइट करता है। चेहरे पे जो बहुत ज्यादा लूज स्किन देखने को मिलती है, लटकने लगती है स्किन को, ये टाइट करता है और आपके चेहरे को एक यंग लुक देता है। इसका तीसरा बेनिफिट होता है एक्ने कंट्रोल में, मीन्स जिन लोगों को मुहासे होते हैं और ये मुहासे जो होते हैं उनको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल। इसमें एक एंजाइम पाए जाते हैं पेपेन और काइमोपेपेन, ये क्या करते हैं कि आपके इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया लाइकोपिन वगैरह, तो वो भी आपके स्किन के जो इन्फ्लामेशन होते हैं, स्किन के जो पोर्स आपके क्लोग हो गए हैं उन्हें ये ओपन अप करते हैं। इसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके कारण आपको जो है एक्ने या मुहासे की समस्या में आराम मिलता है। इसलिए अगर आप अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे और हमेशा यंग लुक रहे आपके चेहरे पे, तो आपको पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर प्रेग्नेंट हैं आप तो आप इसका सेवन ना करें, या फिर जो लोग इससे सेंसिटिव हैं वो भी इसका सेवन ना करें। इसके अलावा बाकी सभी लोग इसे शौक से खा सकते हैं, इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल करिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।